हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मोहित बिंद। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्हाट्सएप पे हमारा दोस्त यार चाहे हंसी में चाहे मजाक में चाहे जैसे भी या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लोग सेंड कर देते हैं लेकिन बाद में लगता है कि नहीं सेंड करना चाहिए था, तो उसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे भी जो डिलीट फॉर एवरीवन जो मैसेज भेज के डिलीट कर देते हैं आप उसे देख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब व्हाट्सएप स्टेटस पे जो दोस्त आपके लगाए रहते हैं स्टेटस, वो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उनसे बोलते हैं ये मुझे भेज दीजिए। तो आज मैं आपको एक ऐसी ऐप बताऊँगा जिससे आपका डिलीट मैसेज भी आप पढ़ लेंगे और व्हाट्सएप का स्टेटस भी आप डाउनलोड कर लेंगे, आपको दोस्त से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको वो ऐप बताता हूँ, ठीक है। आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री, चलिए डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ अगर मुझे पता है तो, WAMR, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह ये आ जाएगा, WAMR रिकवर डिलीट स्टेटस डाउनलोड, ठीक है। इसी को इसे ही दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह इसका कुछ लोगो है, ध्यान से देख लीजिए, आपको यही इसी को इंस्टॉल करना है और दूसरा कोई मत कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया है, ठीक है। अब मैं इसे यहीं से ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आगे की सेटिंग आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको यहाँ एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह आएगा, फिर इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा और यहाँ देखिए आपको टिक करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको जितने भी चैट के ऑप्शन मिलते हैं जिस जिस ऐप में, सारे ऐप का है। फिलहाल मुझे व्हाट्सअप का करना है तो मैं व्हाट्सअप के यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, उसका ये देखिए बता रहा है किस तरह मैसेज रिसीव होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको भी नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए बता रहा है कि मीडिया कॉन्टेंट आप अलाउ करेंगे तो मीडिया वीडियो भी डाउनलोड करेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मेन ये है दोस्तों, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन रीडर को ऑन करना पड़ेगा। जब तक इसे ऑन नहीं करेंगे मैसेज सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से आना है नोटिफिकेशन एक्सेस में, या तो आप सेटिंग में जाके दे सकते हैं। खैर सेटिंग में ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप यहीं से देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको एक्सेस दे दीजिए, ठीक है। इसको ओके कर दीजिए, ये अलाउ कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से आप एक बार बैक आ जाइए, उसके बाद ये देखिए मीडिया, ठीक है, मल्टीमीडिया फाइल। अब इसको भी ऑन कर दीजिए ताकि आपका फ़ोटो भी डिलीट करे कोई तो पता चल जाए, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ से फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए टर्म एंड कंडीशन सब है, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब ये देखिए मेन इसका इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ से आपका मेन है, यहाँ प्रोफाइल है, आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए फिलहाल इसमें एक व्हाट्सअप दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको मोबाइल में 2-3 व्हाट्सअप चलेंगे तो आप सबका यहाँ देख सकते हैं और सबको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैनेज में जाने के बाद आपको वही चैट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से फिर से और कोई भी सेलेक्ट करना है दूसरा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने पहले बस व्हाट्सअप चाहिए इसलिए व्हाट्सअप को किया हूँ। अब ये देखिए आपको जो भी मैसेज आएगा, ये ऐप क्या करता है आपके सारे मैसेज को रख लेता है, ठीक है। सारे मैसेज को रख लेता है, जो भी मैसेज आएगा आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपको डिलीट मैसेज दिखे, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ डिलीट मैसेज देखे, तो कम से कम एक मैसेज जब आपको यहाँ आ जाएगा, कोई भी बंदा आपको एक मैसेज कर देगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे अभी है, यहाँ देखिए 3 डॉट पे क्लिक करने पे कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए देखिए एक मैसेज आ गया मेरे पे, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आप अगर इनसे जितना भी चैट करेंगे, ठीक है, तो वो सारा मैसेज यहाँ पड़ा रहेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ डिलीट आए तो ठीक है, जिनका भी चाहिए तो आप उसको उनका ओपन करने के बाद यहाँ आप 3 डॉट पर चले जाइएगा, यहाँ आपको ओनली डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिर्फ अगर ओनली डिलीट पर आप क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा कि आप सिर्फ जो मैसेज वो डिलीट करेंगे वही मैसेज यहाँ पर गिरेगा, बाकी आप यहाँ से टिक हटाना चाहें तो फिर आप हटा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा ऑप्शन आपका मिल जाता है मल्टीमीडिया का। इसमें क्या है कि फोटो वीडियो जो भी सामने वाला बंदा भेजेगा तो वो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, अगर वो डिलीट करेगा तो। ये देखिए तीसरा मेन ऑप्शन दोस्तों, ये सबसे बेस्ट है, स्टेटस डाउनलोड। कई बार होता है आप दोस्तों से मांगते हैं तो यहाँ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, आपका स्टेटस ये देखिए जितने लोग स्टेटस लगाएंगे यहाँ पर शो करेगा। बाकी आपको डाउनलोड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली कोई भी एक स्टेटस पे आप ओपन कर लीजिए, कोई भी स्टेटस हो आप इसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे डाउनलोड का नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, चाहे यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए डन हो गया, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया, ठीक है। ये मेरा पहले से भी डाउनलोड था,
अब कोई भी दूसरा स्टेटस भी इस तरह ओपन करके आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इससे भी फायदा होगा आपको, दोस्तों से मांगने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही आपको यहाँ से जो स्टेटस आपको अच्छा लगेगा आप डाउनलोड कर लेंगे। और सबसे खास बात दोस्तों, बहुत सारे ये ऐप होते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री वाले, ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ नेट ऑन रहता है तभी काम करते हैं, लेकिन मैंने इसको ट्राई किया, नेट मेरा ऑफ भी था तो भी मैंने डिलीट कर दिया था मैसेज, तो भी यहाँ पे जब मैंने इस मोबाइल का नेट ऑन किया तो नोटिफिकेशन में मैसेज मुझे मिल गया था कि उन्होंने क्या भेज के डिलीट किया है। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैं ये यूज करता हूँ, आप लोग भी इसे यूज करिए, अगर अच्छा लगेगा तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन का जरूर दबा लें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।